नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से दिया गया गीता का संदेश हमारी संस्कृति से जुड़ी अमूल्य धरोहर है, यह कहना है भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर बाल्मीक का। स्थानीय किरोडीमल पार्क में रविवार को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन उन्होंने SDM संदीप अग्रवाल व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूजा अर्चना करके बच्चों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर बाल्मीकि ने सबसे पहले गीता हवन में पूर्ण आहुति दी और श्रीमद् भगवत गीता के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और आरती की। उन्होंने महोत्सव में सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पंडित प्रदीप भारद्वाज, रामविलास शर्मा और पवन पुजारी ने हवन यज्ञ पूर्ण करवाया। अपने संबोधन में विधायक विशंबर बाल्मीकि ने कहा कि गीता एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसका अध्ययन कर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहजता से सहन कर सकता है और इसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता जैसे ग्रंथ हमारी समृद्ध संस्कृति से जुड़ी अमूल्य धरोहर है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता का कर्म संदेश लेकर ही ये कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार और बुराइयों को खत्म कर रहे हैं। गीता के एक एक श्लोक में जीवन मूल्य, अलौकिक रहस्य, जीवन शैली, सद्व्यवहार और कर्म करने का उल्लेख निहित है। वहीं इस अवसर पर SDM संदीप अग्रवाल, CTM हरबीर सिंह, जिला परिषद CEO मनोज दलाल, जिला शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा, मुरलीधर शास्त्री, स्वामी राजनाथ, स्वामी मुकुंद स्वरूप के अलावा विधायक के साथ आए हुए शकुंतला कौशिक, सरपंच विनोद, सुनील डावर, संजय जयवीर, सचिन सरदाना, उमेश भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व शिक्षा विभाग के अनेक टीचर्स उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये जिला स्तर पर ही नहीं, पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गीता जयंती मनाई जा रही है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, जो कि विश्व स्तर पर ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गीता जयंती को लेकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम किया। और ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमने अब अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं, हमने देखा उसमें, जैसे कि अभी देख कर के आए हैं, यहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। और गीता का तीसरा अध्याय कहता है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस तरह का यहाँ भी बच्चों को अच्छी तरह से और गीता का उपदेश एक प्रकार से चित्र भी बना करके, और यहाँ स्कूल के बच्चों ने भी बहुत अच्छी पेंटिंग भी की है। और अच्छे, मैं ये नहीं समझता कि जो पश्चिमी सभ्यता का असर है, ये हम सब जम्मू से कश्मीर तक और जो कन्याकुमारी तक, जो पूरा भारत एक है और हम सब भारतीय हैं, हम भारतीय होने का बड़ा गर्व महसूस करते हैं। आज तो हम गीता के ऊपर ये कहना चाहेंगे कि गीता का अध्ययन करना चाहिए हर युवा को और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गीता एक अच्छा संदेश देती है, मानव निर्माण का संदेश भी देती है, ऐसा हम मानते हैं। मैं युवाओं को इस सभी चैनलों के माध्यम से ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गीता का अध्ययन करे और गीता के बताए हुए रास्ते पर चले, उसी में
मनुष्य का भला है और मनुष्य का निर्माण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वीरवार को टीजीटी व पीआरटी पात्रता परीक्षा का आयोजन पूरे हरियाणा में रविवार को करवाया गया। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष वीपी यादव व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश में बनाए गए 504 परीक्षा केंद्रों पर 215,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण दोनों परीक्षाओं का शांतिपूर्ण ढंग से संचालन करवाया गया। साय के 3 बजे से 5 बजे तक भिवानी जिले के 22 सेंटर्स पर, प्रदेश के 504 सेंटर्स पर एचटेट की लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए हर एक परीक्षा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, जो पूरी प्रक्रिया की जांच करेगा। बायोमेट्रिक तरीके से सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं को एचटेट की परीक्षा के लिए प्रवेश दिया गया। हरियाणा प्रदेश में 3 व 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रदेश भर से करीबन 3,05,000 विद्यार्थी अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं। जी, मेरा नाम निकिता है और मैं जैसे मैं भिवानी से ही हूँ, तो होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही कि हम मतलब ट्रैवलिंग भी जैसे खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं। हम कहीं दूर हो तो हमें थोड़ा टाइम से सुबह उठ के जल्दी जाना पड़ता, ठंड है, परेशान हो जाते। तो मैं तो चाहूंगी कि सरकार सभी बच्चों के पेपर आगे भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे, ताकि जिससे बच्चों को आने जाने वाली दिक्कत ना हो और वो टाइम से पेपर में पहुंच पाए। मेरा नाम अनुपम है और मेरा आज लेवल 2 टीजीटी साइंस का पेपर है और मेरा एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही है। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है और बाकी सभी का भी सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही आना चाहिए। स्टेट की परीक्षा के दौरान हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि इसको सभी अच्छी तरह और सभी डिसिप्लिन सिस्टम से परीक्षाएं आयोजित हो सके। इसके लिए जैसे ही कैंडिडेट अंदर जाएंगे तो सबसे पहले उनके मेटल डिटेक्टर्स, उनकी फिस्किंग की जाएगी, फिर उसके बाद उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा और हर कमरे के अंदर हमने सीसीटीवी कैमरा से उन पर निगरानी रखी जाएगी। बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर मौजूद हैं और इस तरह से भी उपायुक्त महोदय की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी एक ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद है। 172 फ्लाइंग स्क्वाड हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो एक तरह से हर चप्पे चप्पे पे नज़र होगी, हर एग्जामिनेशन रूम कैंडिडेट पे नज़र होगी। और एक को बता दें कि हर एग्जामिनेशन रूम को, हर सेंटर को हमारे अपने यहाँ पर बोर्ड के अंदर एक हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। उस सेंटर के जरिए सीधी ऑनलाइन कैमरास लगे हुए हैं, हम हर कैंडिडेट पर एग्जामिनेशन पर हमारी नजर है। आधुनिकता की भागदौड़ व विकास की अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए आज हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं, यह कहना है स्थानीय जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। रविवार को उन्होंने कहा कि वृद्ध आश्रम में बढ़ती संख्या को कम करने व गौरवमयी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वृद्धों के दिखाए मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की दौड़ में उनका जीवन प्रबंधन भी बोलते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में संस्कारों का अभाव देखा जा सकता है। आज बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताने के बजाय अपने दिन का अधिकतर समय टीवी व मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, जिससे उनके मन में पश्चिमी सभ्यता घर कर रही है और वे भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कृति, सुरक्षा व संस्कार की दृष्टि से पारिवारिक जुड़ाव की जानकारी देने पर ही बच्चे राष्ट्र व संस्कृति के विकास में योगदान दे पाएंगे। श्री महंत ने कहा कि बच्चे अपने परिवारजनों के पास अधिक से अधिक समय बिताएं, जिससे उनके मन में अच्छे संस्कार पनप सकें। यह संसारे खुद उस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे। आज हम आधुनिकता की दौड़ में विकास की अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए जो अपने पुराने विचार हैं, वृद्धों सेविना चतवारी विधंते, वृद्धों की सेवा करने से यश विद्या धन और ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदांत में है और ऐसे था भी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने वृद्धों की, अपने से बड़ों को उनका विचार, जो नैतिकता है, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं। अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पा रहे जो हमने देना है। हम केवल आज दे पा रहे हैं कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन ये तब संभव है, वह तब सेवा कर पाएगा जब से पहले उसका जीवन प्रबंधन कर पाएंगे, यानी कि जीवन मैनेजमेंट तब संभव होगा। तब आप संस्कृति, सुरक्षा, संस्कार की दृष्टि से अपने बच्चों को अपने व्यवहार अपने विद्या अध्ययन अध्यापन और उसको पारिवारिक जो पारिवारिक जुड़ाव है
उसके विषय में जानकारी देंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, तभी संभव है कि आपका बच्चा आने वाले समय में जो आपने सपन पिरोए हैं वो सफल कर पाए और राष्ट्र को, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, विकास के लिए योगदान दे पाए। तो यह तब संभव है जब आप सब अपने आने वाले बच्चों को या जो पीढ़ियां हैं अब भी जो बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं अपने बाप के माँ बाप के पास अधिक समय रहें और उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है उसे वो सीखें और जानें। यही आज आवश्यकता है एक परिवार में और बच्चों के लिए। भिवानी शहर में सड़कों का धंसना व पेयजल पाइपलाइन का टूटना अब ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य बात हो गई है और जिसका खामियाजा रोजाना आसपास के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही पेयजल पाइपलाइन के टूटने का नज़ारा देवसर चुंगी रेलवे फाटक के पास मिला, जहाँ पर आसपास के निवासी पेयजल आपूर्ति को तरसने के साथ साथ इसके कारण बनी कीचड़ इत्यादि को भी भुगत रहे हैं। वहीं जनस्वास्थ्य विभाग ठेकेदार ने इसे शीघ्र ठीक करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोहारू रोड पर रेलवे फाटक के समीप मुख्य पेयजल लाइन से लीकेज हो गई, जिससे विभागीय आदेशानुसार उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जा रहा है। इस लीकेज की वजह से लाइन पर अनेक कॉलोनीज में पेयजल संकट बना हुआ है। इसी के कारण रविवार को इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। जन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोहारू रोड फाटक पर रेलवे ट्रैक की वजह से मुख्य लाइन में लीकेज हो गई थी, जिसे अभी ठीक करवाया जा रहा है और फाटक के समीप लाइन को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ की लाइन को दादरी रोड बूस्टर से जोड़ा जाएगा और इसके बाद ही लीकेज का स्थायी समाधान हो पाएगा। पब्लिक हेल्थ ने के बड़ी लाइन थी काट दी बगैर कोई नोटिस दिए, ना पब्लिक को किसी को बताया कि भैया हमें ऐसे ऐसे सप्लाई भंग रहेगी। करीबन शहर की 35 से 40 कॉलोनियां इससे प्रभावित हो रही हैं। पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है कॉलोनियों में। कोई अल्टरनेट था तो निकालना चाहिए था पहले, और अभी लग रहा है कि 1-2 दिन और ये समस्या बनी रहेगी, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कहीं हम टैंकर की सप्लाई के लिए बार बार कहीं कहीं जगह जगह सप्लाई दे रहे हैं पानी की। ये 6 इंची लाइन है पुरानी और ये अपनी काट मंडी को जाती है। ये रेलवे ट्रैक के नीचे लीक होगी, रेलवे ट्रैक बैठने लगा। रेलवे वाले ने डिपार्टमेंट को कहा कि भाई अपनी लाइन को चेक करो। हमें धीरे धीरे चेक करी तो वहाँ लीकेज है, लेकिन वहाँ ट्रैक के पास हम खोद नहीं सकते, खुदाई नहीं कर सकते, ट्रैक बैठ जाएगा, इसलिए उसे 100 फुट दूर खुदाई करनी पड़ती है। और ये हम 3 दिन हो गए लगातार लगे हुए हैं, रात को भी दिन में भी, और अब भी लगे हुए हैं। शाम तक ठीक हो जाएगी और सप्लाई चालू हो जाएगी। शनिवार शाम को स्थानीय देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मात्र 9 महीने पहले अस्तित्व में आई पार्टी कार्यकर्ताओं के कारण आज 17% के साथ सरकार में भागीदार। गौरतलब है कि जेजेपा के 5वें स्थापना दिवस पर 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए जजपा नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ जहां जजपा प्रधान महासचिव पिछले 5 दिन रोजाना भिवानी जिले के प्रत्येक हलके के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं, तो वहीं शनिवार को जजपा संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला स्थानीय देवीलाल सदन में पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर डॉक्टर चौटाला ने कहा कि भिवानी उनकी कर्मभूमि है और कार्यकर्ता उनके परिवार का हिस्सा है और भिवानी से उनका सीधा जुड़ाव है, इसीलिए भिवानी में आकर उन्हें हमेशा अपनापन ही लगता है। यार स्थल पे ही खड़े हैं, देख रहे हैं, और आज मैं मीटिंग लेके आया हूँ तीन जगह की कल है। निरंतर गांव में भी इसी तरह के कार्यक्रम दिग्विजय के चल रहे हैं। दुष्यंत की सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग चल रही है, जहाँ जहाँ जिसको जो दायित्व सौंपा गया है वो बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं और रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी। इस तरह का प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनशक्ति के बलबूते पे हमने दिखाया कि 9 महीने पहले पैदा हुई पार्टी ने 10 विधायक जहाँ चुन करके भेजे वहीं 17.5% वोट हासिल किए। निरंतर उसके बाद पंचायत के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हो, उसमें हमारी पार्टी ने वोट में इजाफा किया है। ये इस बात को इंगित करता है कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। तब हमारे राजनीतिक विरोधी कहा करते थे ये 15 दिन चलेगी, कोई कहता था महीने चलेगी, कोई कहता था 6 महीने चलेगी। 3 साल से स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत आपको महसूस हुई?
और आगे भी 2 साल इसी तरह चलेगी और अगले टर्म में भी चलाएंगे। हमने 60% प्रोमिसेज अपने पूरे किए, आगामी 2 वर्ष में 40% भी पूरा करेंगे, 100% पूरा करके ही लोगों में वोट मांगने जाएंगे। बीती शाम को तोसाम से हिसार मार्ग पर करीब 40 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के कारण आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर तोसाम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं उन्होंने अज्ञात शव को शिनाख्त हेतु तोसाम के सरकारी अस्पताल में रखवा कर मामले पर पूछताछ आरम्भ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तोसाम हिसार मार्ग पर एक अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस से मिली थी, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय सरकारी अस्पताल तोशाम में रख दिया। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, जबकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृत व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। और तोशाम से इजहार रोड पे मेरा ढाबा है ठेके के पास में, बीच में मेरी खाली जगह है, वहाँ पे ये शायद आया हुआ है। रात को 4 से 5 बजे तक के बीच में सीसीटीवी कैमरे के मतलब निगरानी में है जी पूरा। ये जैसे भी आया है, इसने दारू पी के या सर्दी से जो भी हुआ है वो भाई, मैंने जैसे भी मेरे को पता चला, मेरे जो करिंदे होटल में काम करते हैं वो सुबह उठ के उन्होंने देखा तो भी कोई बंदा दारू से पिया हुआ है यहाँ तकत पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, उन्होंने जैसे मेरे पास फ़ोन किया, मैं वैसे ही वहाँ से घर से आया, आते ही मैंने देखा तो भाई, मैंने देखा ये इलाके तो इसमें कुछ नहीं था, ये मतलब टाइट हुआ पड़ा था। और मैंने जैसे ही थाने में फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को मैंने सौंप दिया भाई ऐसे ऐसे आया था ये, और भाई ये दारू पी के पड़ा। जैसे कल हमें हमारे कंट्रोल रूम भिवानी से टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जो राजवीर चिकनकाना होटल के पास मृत अवस्था में पड़ा है, जिस पर गायब रह गए, जिस पर मैं मेरे साथी कर्मचारी साथ हम मौके पर पहुंचे तो देखा तो एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति तख्त के ऊपर मृत अवस्था में पड़ा था। भी पता किया लेकिन इसके कहीं मृत का कोई कारण नहीं चला। तो उसके बाद हमने अपने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है, उससे भी हमने इसका करवाया है और इसकी शिनाख्त नहीं हुई। ये कौन है, कहाँ का है, कैसे है, तो आज हम इसका पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल भिवानी से करवा रहे हैं और इसको 24 घंटे के लिए यह सरकारी अस्पताल में रखेंगे ताकि इसकी शिनाख्त हो सके। जब शिनाख्त होगी तो वारसन को दे देंगे, नहीं तो अपने कमेटी भिवानी के हवाले करें, इसका दस संस्कार करवाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हल।